पूरी दुनिया मुसलमानों को कम आंकती है, खासकर भारत में दूसरे समुदाय के लोग मुसलमानों को पिछड़ा हुआ बताते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। यूरोप ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, जर्मनी, इन तमाम देशों ने हमेशा मुसलमानों के नाम को दबाने की कोशिश की है। जो मुसलमानों की खोज है उसको अपना बना लिया, वैज्ञानिकों के नाम को बदल दिया, मुसलमान वैज्ञानिकों को नाम को बदल दिया ताकि मुसलमानों को पता ही ना चले। और आज के मुसलमान जब सुनते हैं कि हाँ ये कोई वैज्ञानिक है तो अंग्रेजी नाम नजर आता है। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो बताऊंगा दुनिया का पहला ऐसा वैज्ञानिक जिसने ऐसी ऐसी खोज करी थी उस मुस्लिम वैज्ञानिक ने कि उसके बाद इस यूरोप और पूरी दुनिया ने ही उस शख्स को पहला मैकेनिकल इंजीनियर, वो भी मॉडर्न इंजीनियर मान लिया था, जिस व्यक्ति ने घड़ी की खोज करी। जी हां, जिस व्यक्ति ने ऐसी, आज नहीं, आज की बात नहीं, उस जमाने में इस्लामिक क्रांति के दौरान ऐसी ऐसी घड़ियां बना ली जो बिना सेल से चलती थी, जो बिना पानी के चलती थी, जो ऐसी चीज से चलती थी जिसको आप और हम जानते नहीं थे। दोस्तों, घड़ी वो ऐसी जो अपने साथ साथ, वक्त के साथ साथ, तारों की गर्दिश को भी बताती थी। इतना ही नहीं, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो मुसलमान होने पर गर्व करेंगे, और अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो कम से कम मुसलमानों को कोसना बंद करेंगे और एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जिस इंजीनियर की मैं बात कर रहा हूं, आसान जबान में उनको अल जजारी कहा जाता है। ये यूरोप में फेमस नाम है दोस्तों, लेकिन इनके नाम को बदला गया। दोस्तों, इनका पूरा नाम जो बताया जा रहा है, बदी अज जमन अबू इल इज इब्ने इस्माइल इब्ने अर रज्जाज अल जजारी, मोहब्बत से इनको शॉर्ट में अल जजारी कहा जाता है। 1136 ईस्वी में मेसोपोटामिया में इनकी पैदाइश हुई थी। मैप आपके सामने, ये मेसोपोटामिया आज इराक कहलाता है। उस वक्त इराक, तिर्गीस, ईरान का इलाका, सीरिया का एक टुकड़ा और तुर्की का एक टुकड़ा, कुवैत का निचला हिस्सा, ये सब जो है मेसोपोटामिया कहलाता था। आज माना जाएगा इराक, जी हां, जहां पर उनकी अभी भी मजार है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि रोबोटिक्स का पिता इस्माइल अल जजारी को कहा जाता था। ये जो आज रोबोट बन रहे हैं, आज की सदी में हम बड़े इंप्रेस होते हैं, ये रोबोट का आइडिया देने वाला कोई और नहीं, एक मुसलमान था, अल जजारी। सन 1100 ईस्वी का वो लगभग वक्त था। उस वक्त किसी को जिंदगी में आसानी कैसे पैदा करना है किसी को पता नहीं था। उस वक्त अल जजारी ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने वो कारनामा कर दिखाया कि आज उन्हीं की सोच पर रोबोट बनाए जाने लगे। उन्हीं की सोच की वजह से आज आप और हम कार चलाते हैं, हमें कार के इंजन मिले, ऐसी ऐसी चीजें मिली कि आपकी आंखें फट जाएंगी। ध्यान से समझ लीजिए, अल जजारी ने अपने समय में अपनी खोजों से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनकलाब ला दिया था। पूरा यूरोप हिलकर रह गया था। इनका सबसे बड़ा कारनामा क्रेन शिफ्ट की खोज करना था। क्रेन शिफ्ट एक ऐसा पुर्जा होता है जो लगातार राउंड एंड राउंड घूमता रहता है, उसको घुमाकर उसमें तब्दीली पैदा करके आगे की तरफ उसकी गति को, फोर्स को बदलना क्रेन शाफ्ट कहलाता है। क्रेन शाफ्ट आधुनिक मशीनरी जैसे भाप इंजन और गाड़ियों के इंजन में इस्तेमाल होता है, जो आज सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आज दुनिया की कोई गाड़ी नहीं बन सकती। अल जजारी ने क्रेन शाफ्ट के अलावा और भी कई पुर्जों का निर्माण किया, कई पुर्जे बनाकर दुनिया को दिए हैं। मेरे दोस्तों, आज गाड़ियों में जो गियर इस्तेमाल होते हैं, जिसे आप गियर बॉक्स कहते हैं, उसके अंदर की जो मैकेनिकल पूरी सिस्टम है, वो भी अल जजारी ने ही दुनिया को बनाकर दिया। दोस्तों, अल जजारी ने सन 1206 में द बुक ऑफ नॉलेज इंजीनियस मैकेनिकल डिवाइस लिखा। उसमें इन्होंने 50 यंत्र और उपकरणों का डिटेल दिया और उन्हें कैसे बनाना है, उसका क्या काम है, वो भी उन्होंने जानकारी दी। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये सबूत है, ये उन्हीं की किताब से है। अल जजारी ने जो सबसे बड़ा आविष्कार किया वो ये कि उस जमाने में खेती के लिए पानी की कमी होती थी, मस्जिद में वजू के लिए पानी की कमी होती थी, जमीन के नीचे से पानी बाहर निकालना अल जजारी ने ही बनाया। एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आपके सामने है। ये ऐसा सिस्टम है कि पशु घूमता था, जानवर बैल घूमता था,
और ऐसा मशीन बनाया हुआ था कि उसके घूमने की वजह से नीचे से पानी ऊपर आ जाता था। दोस्तों गियर की ऐसी सेटिंग बनाई उन्होंने कि वो कोलू का बैल जैसे घूमता है, वो गोल गोल घूमता था जानवर, और जमीन से इतनी तेजी से पानी निकलता था कि फुहारा तक बन जाता था। दोस्तों ये ऐतिहासिक किताबों में मौजूद है, यूरोप में आज भी ये किताबें मानी जाती हैं और अंग्रेज इनकी मान्यता रखते हैं। अंग्रेजों ने यही सब इंजीनियरिंग देखकर और अल जज़ारी की किताबों को कॉपी पेस्ट करके एडवांस लेवल का आज सब कुछ बना लिया। लेकिन ये सब कुछ दिया हुआ किसका है, आपके सामने है। इसके अलावा अल जज़ारी ने उस जमाने में मोमबत्ती वाली आधुनिक घड़ी बना दी थी, जो मोमबत्ती बिना किसी एनर्जी के चलती थी, समय बताती थी, पूरा वक्त बताती थी। आपकी स्क्रीन पर उसका पूरा मॉडल सामने है। इसके अलावा उस समय ऐसी खतरनाक और एडवांस हाथी वाली घड़ी बनाई थी जो अलार्म तक बजाती थी, हर आधे घंटे में अलार्म बजता था। आज भी इसका मॉडल यूरोप के कई शहरों में रखा गया है, म्यूजियम में यह रखी गई है घड़ी। आपको बता दूं कि यह वो दुनिया की पहली घड़ी है जो एक ही समय में वक्त के साथ साथ आसमानी तारों की गर्दिश भी बताती थी, साथ में अलार्म भी बजता था। दोस्तों इसके अलावा रोबोट की जो मैं बात कर रहा हूं, हाथ से जो मेहमानों को टॉवल देने वाला रोबोट किसी ने बनाया तो वो अल जज़ारी ने बनाया। उसकी भी खासियत यह थी कि वो रोबोट बिना बिजली के चलते थे। तीसरी मेन बात, समुद्र के अंदर जो नाव होती थी तो मेहमान जब आते थे, मेहमानों के लिए इस्तेमाल करने वाली नाव, कि अगर आपके यहां कोई मेहमान आ रहा है और आप पैसे वाले हैं तो आप मेहमानों को नाव पर ले जा सकते हैं, उस नाव पर जाने के बाद 4 से 5 रोबोट थे जो म्यूजिक बजाते थे। कोई इस तरह का साउंड क्रिएट करता था, कोई छन छन का साउंड क्रिएट। तो ये जो सारी मूवमेंट थी, ये 3-4 रोबोट उसी नाव पर तैनात थे, बने हुए थे, इंस्टॉल किए हुए थे। अल जज़ारी ने ऐसा बनाया था कि वो मेहमानों को एंटरटेन करते थे एज अ म्यूजिशियन। साथ में उसी नाव पर एक महिला रोबोट थी जो उनको टॉवल परोसती थी। आप समझ रहे हैं, आज की बात नहीं हो रही है, ये 1100 ईस्वी की बात हो रही है। इन्हीं सब चीजों को कॉपी पेस्ट किया है अंग्रेजों ने, और अल जज़ारी का नाम भले ही मिटाने की कोशिश की है, लेकिन जरा गूगल पे जाइए, ये देखिए विकिपीडिया पे सारी डिटेल मौजूद है। विकिपीडिया चीख चीख कर कह रहा है, गला फाड़ कर कह रहा है कि इस्लामिक समय का ये सबसे बड़ा विद्वान था जिसने पूरी दुनिया में कमाल करके दिखा दिया। विकिपीडिया भी इनको और पूरी दुनिया भी इनको इसी नाम से जानती है, द फादर ऑफ इंजीनियरिंग। और भक्तों के सीने में आग के लिए इंतजाम भी किया है मैंने। विकिपीडिया तो दिखाई दिया है, जी सलाम यानी जी न्यूज का ही एक दूसरा आउटलेट पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, इस पर भी आप जाकर पढ़ सकते हैं कि किस तरह से इंडियन गोदी मीडिया ने भी इसको प्रिंट किया है, माना है कि अल जज़ारी क्या शख्सियत थे। आज जो इंजीनियरिंग है, जो गाड़ियां चल रही हैं, रोबोट बन रहे हैं, जहाज उड़ रहा है, आपकी गाड़ी में जो इंजन है, ये सब का सब जो इसका बेस था ना, किसने दिया था? अल जज़ारी ने, जो एक इस्लामिक युग के एक मुसलमान विद्वान थे जिनकी क्रांति के बाद आज दुनिया यहाँ तक पहुँची है और मुसलमानों को पिछड़ा हुआ बताते हैं। अंग्रेजों ने काफी समय तक रिसर्च किया कि मुसलमानों के पास ऐसा क्या है कि वो इतने एक्सपर्ट होते हैं, इनके यहां इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। सैकड़ों साल तक रिसर्च करने के बाद अंग्रेजों को पता ये चला कि मुसलमानों के पास कुरान है। कुरान की हर बारीक चीजों पर मुसलमान बार बार रिसर्च करता है, बार बार पढ़ता है, जिसकी वजह से मुस्लिम लोग विज्ञान के और प्रकृति के काफी करीब हैं। अब आपको बता दूं कि जो इस्लामिक वैज्ञानिकों और मुसलमान वैज्ञानिकों ने अपनी किताबें लिखी थी अरबिक में या तुर्किश में या किसी और भाषा में, अंग्रेजों ने उसको कन्वर्ट किया अंग्रेजी में, और यूरोप में लगभग 500 सालों तक यूनिवर्सिटीज में हमारे मुस्लिम वैज्ञानिकों की किताबें पढ़ाई जाती रहीं और उसको अपग्रेड करते रहे, और आज मुसलमानों का ही नाम मिटाया जा रहा है। लेकिन अभी मेरे जैसे
कुछ लोग जिंदा हैं और आप जैसे लोग जिंदा हैं जो मेरे जैसों की बात सुनेंगे, समझेंगे और हमारी रिसर्च का